हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। ऑलरेडी मेंडल के टू नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। ये मेंडल का तीसरा नियम है, जिसको मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ कहा जाता है। मेंडल का यह तीसरा नियम मेंडल के ही डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। इट मींस डाईहाइब्रिड क्रॉस को इसके इन डाईहाइब्रिड क्रॉस टू करेक्टर्स के बिटवीन क्रॉस होता है किसी भी प्लांट के। एग्जाम्पल यहां पर हमने पी प्लांट पाइसम सेटाबम का लिया है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल के जो सेलेक्टेड सेवन करेक्टर्स थे, उनमें से किन्हीं भी दो करेक्टर के बीच क्रॉस करवा करके डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स फिनोटाइप एंड जीनोटाइप को ऑब्टेन कर सकते हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखते हैं इस लॉ के अंदर क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इट इज बेस्ड ऑन मेंडल डाईहाइब्रिड क्रॉस। इट मींस दो टू करेक्टर्स के बिटवीन, टू करेक्टर्स कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टू पेयर एलील्स के बिटवीन क्रॉस है। किसी भी एक करेक्टर के अंदर टू एलील्स होते हैं, तो चूंकि ये जो क्रॉस है वो टू करेक्टर का है, इसलिए फोर एलील्स हो जाएंगे, जिनको हम टू पेयर कंट्रास्टिंग एलील्स कहते हैं। तो द लॉ स्टेट, यानी ये लॉ हमें क्या कहता है, क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू पेयर ऑफ ट्रेस कितने करेक्टर्स के होंगे, टू करेक्टर्स के होंगे। एक करेक्टर के टू पेयर होते हैं, तो टू करेक्टर्स के कितने पेयर हो गए, टू पेयर। तो आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, ये हाइब्रिड में क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। ऑलरेडी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये पढ़ चुके हैं कि जो पेरेंटल करेक्टर है वो F1 जनरेशन के अंदर हाइब्रिड फॉर्म में रहते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो F1 जनरेशन के अंदर शो होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, जो हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसके बोथ पेरेंटल डोमिनेंट एलील्स हाइब्रिड में शो होता है। सीग्रेशन, अब नेक्स्ट जब हम F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे, F2 पीढ़ी के प्लांट ऑब्टेन करेंगे, तो उससे बिफोर गैमिट का फॉर्मेशन होगा, यानी F1 जो प्लांट है, F1 प्रोजेनी है, उसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा, और गैमिट के फॉर्मेशन म्यूसिस डिवीजन से होता है। म्यूसिस डिवीजन से जब गैमिट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब ये जो एलील्स है वो सीग्रेट यानी सेपरेट हो जाते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से, बिना किसी ब्लेंड यानी बिना किसी मिक्सचर के, ये सभी एलील्स F2 जनरेशन के जितने भी गैमेट बनेंगे उनमें सेपरेट हो जाते हैं। सीग्रेशन ऑफ वन पेयर करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमने दो करेक्टर लिए, सीड की शेप का एंड सीड की कलर का, तो सीड की शेप का अगर हम एक पेयर मान लेते हैं तो इसका इंडिपेंडेंट सीग्रेशन गैमेट के अंदर इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से होगा दूसरा जो उसका सीड कलर है उस पेयर से। या हम जो कह सकते हैं कि जो सीड के बहुत करेक्टर्स है, सीड की शेप और सीड का कलर, दोनों करेक्टर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से गैमिट में सेपरेट यानी सीग्रेट हो जाते हैं। यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ यही बात को एक्सप्लेन करता है। पुनेट उसका ने गैमिट फॉर्मेशन के द्वारा जो हमारे प्रोजेनी ऑप्टेंट होती है उनको ऑप्टेंट करने के लिए गैमिट ने स्क्वायर का जो स्क्वायर था उसको ऑप्टेंट किया, स्क्वायर को डेवलप किया। तो
अकॉर्डिंग टू पुनेट स्क्वायर कैन वी टू यूज अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सिक्रेशन ऑफ द टू पेयर ऑफ जीन ड्यूरिंग मियोसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पॉलन इन द एप्पल प्लांट। एप्पल प्लांट के हमने दोनों करेक्टर लिए हैं तो उसकी जीनोटाइप ये होगा। तो ये जो जीनोटाइप होगा इससे फोर टाइप्स के गैमिट बनेंगे क्योंकि ये हेटेरोजाइगस प्लांट है, आर आर बाय बाय हेटेरोजाइगस प्लांट्स है तो इससे बनने वाले गैमिट्स का नंबर कितना होगा? फोर होगा। इससे बनने वाले गैमिट्स का नंबर कितना होंगे? फोर। तो ईच गैमिट की फ्रीक्वेंसी टोटल गैमिट से कितनी होगी? 25%। टोटल चार गैमिट बनेंगे तो हम यू कह सकते हैं कि जो एक गैमिट से इनमें से उसकी फ्रीक्वेंसी टोटल गैमिट्स के रेडिएशन में 25% होगी, जिसकी सेपरेशन या ट्रांसफर में दूसरे करेक्टर एलील्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यह मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है जिसमें एक करेक्टर यानी राउंड की शेप का राउंड के कलर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और F1 जनरेशन से जब सेल्फिंग के जरिए प्लांट ऑब्टेन होते हैं तो ऑल करेक्टर्स सेपरेटली अपने फीचर्स को शो कर देते हैं। एग्जांपल की सहायता से हम देखते हैं फिनोटाइप F2 जनरेशन का 9:3:3:1 है। क्या है इनका? ये F2 जनरेशन का फिनोटाइप है। अगर हम इसमें से किसी एक करेक्टर की साउंड की शेप का सीड की शेप का ये करेक्टर है इसका फिनोटाइप 3:1 होगा और सीड की कलर है उसका फिनोटाइप 3:1 होगा तो इनसे प्राप्त होने वाली F2 जनरेशन यानी F1 जनरेशन में साथ साथ रहेंगे लेकिन F2 जनरेशन में ये अपने ईच करेक्टर को इंडिपेंडेंटली शो करेंगे यानी राउंड एरो मल्टीप्लाई कर दो रिंकल राउंड का येलो शो कर देंगे तो 9 प्लांट ये प्राप्त होंगे, रिंकल का येलो शो करेंगे तो 3 प्लांट, सिमिलर रिंकल का येलो शो करेंगे तो ये 3 प्लांट्स हो जाएंगे और रिंकल का ग्रीन से करेंगे तो ये 1 प्लांट प्राप्त हो जाएंगे। यानी इस नियम की सहायता से हम ये समझ सकते हैं ये सीड के दोनों करेक्टर थे, हम किसी भी करेक्टर्स पर ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मेंडल ने जिन भी करेक्टरों को यूज करके इस लॉ को अप्लाई किया था उनके सबके रिजल्ट इसी प्रकार से प्राप्त हुए थे। हालांकि इसका अपवाद है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, मेंडल को तो इसका कोई भी अपवाद प्राप्त नहीं हुआ, मेंडल ने तो स्वतंत्र रूप से ये नियम प्रतिपादित किया और इसके रिजल्ट ऑब्टेन हुए। तो ये सीड के अलावा हम दूसरा कलर दूसरा करेक्टर भी ले सकते हैं, फ्लावर का पोजीशन एंड फ्लावर कलर ले सकते हैं तो दोनों कलर एप्पन दोनों करेक्टर यानी फ्लावर की पोजीशन एंड फ्लावर का कलर दोनों एप्पन जनरेशन में साथ साथ रहेंगे और जब इनसे F2 जनरेशन प्राप्त होगी तो इनके सभी करेक्टर्स के एलील से वो सेपरेट सेपरेट अपने फीचर्स को अपने करेक्टर्स को शो करेंगे। यह लॉ कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, यानी किसी भी लॉ किसी भी एलील्स की सेपरेशन किसी दूसरे एलील्स पर डिपेंड नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से अपने फीचर्स को शो करते हैं, ईच एलील्स अपने फीचर्स को शो करते हैं। तो ये रूल्स था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों समझ में आए तो बताना, कोई कमी हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें।